तो आज के इस वीडियो में हम एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी हाई ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें डेंजरस कौन सी होती है। अब मान लीजिए एक मेरे पास 33 केवी की लाइन है और एक मेरे पास 72 केवी की लाइन है, तो 33 केवी की लाइन ज़्यादा डेंजरस होगी कंपेयर टू 72 केवी की। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये आता है कि अगर 72 केवी की लाइन है तो वो ज़्यादा डेंजर होगी 33 केवी कंपेयर में, बट ऐसा नहीं है। वो ज़्यादा डेंजरस होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, आज के इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि 33 केवी की लाइन ज़्यादा डेंजरस होगी 72 केवी कंपेयर में, तो आप एक बात सोचिए कि ट्रांसमिशन लाइन जो होती है काफ़ी हाइट पे होती है, तो वहाँ पे एनिमल्स नहीं पहुँच पाते लेकिन वहाँ पे बर्ड्स पहुँच जाते हैं। अब इंसान भी वहाँ जल्दी नहीं जाते क्योंकि बस रिपेयरिंग का काम करना होता है, तब वो वहाँ पे जाते हैं, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। और जो पेट एनिमल्स होते हैं वो भी वहाँ नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे पहुँच पाते हैं बर्ड्स। अब बर्ड्स के कंपेरिजन में क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन हमारी हाई वोल्टेज की होती है, यानी कि 72 केवी की लाइन है, तो उसमें क्या होगा, जो 72 केवी की लाइन है वो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें तीन सप्लाईज होती हैं, आर वाई बी, ये तीनों सप्लाईज होती हैं। अब मान लिया 72 केवी की लाइंस पे एक बर्ड जाके, यानी बड़ा एगल जाके बैठ गया, तो वो उन दोनों बीच की डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाएगा, यानी कि आर और वाई, वाई और बी, इन दोनों के बीच में एक गैप जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से उसको शॉर्ट नहीं लगेगा। बट यही अगर कंपेयर करें 32 केवी की लाइंस में, तो उन दोनों के बीच में, यानी कि आर वाई बी के बीच में गैप होता है वो कम होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट आसानी से हो सकता है, उसमें उसका ज़्यादा डेंजरस होता है। उस केस में ये लाइन ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि वहाँ पे उसकी डेथ हो सकती है या फिर उसको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, पर 72 केवीज में ऐसा नहीं होता। 72 केवीज में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे उसका जो पाथ कंप्लीट होता है दोनों वोल्टेज लाइन के बीच में वो कंप्लीट नहीं हो पाता, और उसकी वजह से उसको शॉर्ट सर्किट नहीं लग पाता है। तो 33 केवी की लाइन ज़्यादा डेंजरस होती है 72 केवी के कंपेयर में, सिर्फ बर्ड्स के केस में, क्योंकि बर्ड्स को प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। बाकी अगर कंपेयर करें आप वोल्टेज लाइन से, अगर ह्यूमन टच कर ले उसको या फिर कोई भी टच कर ले, तो 72 ज़्यादा डेंजरस होगी, बट अगर हमें सबका प्रोटेक्शन देखना है तो 33 केवी की ज़्यादा डेंजरस होती है कंपेयर टू 72 केवी की लाइन से। आई होप आपको क्लियर हो गया कि 33 केवी की लाइन क्यों डेंजर होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।